जरूर देखने को मिलेगा। और न्यूज़8 के माध्यम से भी हम सभी से यही अपील करते हैं कि पौधारोपण जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका। तो देखिए, भोपाल में भीषण गर्मी के बीच में बिजली कटौती का सिलसिला भी जारी है। सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच बिजली की कटौती जारी रहेगी। तो 30 से अधिक ऐसे इलाके जहां पर बिजली गुल रहेगी। देखिए, लगातार बिजली गुल होने की खबरें सामने आ रही हैं और फिर कुल मिलाकर इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। एक तो गर्मी और ऊपर से बिजली की मार, बिजली कटौती की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं। 30 से अधिक इलाके जहां बिजली आज गुल रहेगी, कौन से वो इलाके, साइड विंडो के जरिए जानकारी भी आपको दे रहे हैं। मंदाकिनी चौराहा, खादिम चौराहा, विंस्टर स्क्वायर, गुरु कृपा टावर, अल्टीमेट ऑर्किड पैलेस, ऑर्चर्ड में भी आज बिजली कटौती रहेगी। मंदाकिनी कॉलोनी, जानकी रेजिडेंसी, फॉर्च्यून एस्टेट, वेस्टर्न होटल, महाबली नगर, ये वो इलाके जहां पर आज बिजली नहीं आएगी। तमाम इलाके जहां पर बिजली की कटौती की जानी है, हर रोज ये सिलसिला जारी है। और देखिए, भीषण गर्मी के बीच में मेंटेनेंस कार्य का हवाला दिया जाता है कि मेंटेनेंस के चलते बिजली की कटौती की जाएगी। ऐसे में 30 से अधिक इलाके आज के रहेंगे जहां पर बिजली की कटौती होगी। तो जानकारी आपको दे रहे हैं कौन कौन से वो इलाके होंगे, साईनाथ, अंसल ग्रीन, जानकी अपार्टमेंट, फाइन एवेन्यू, गेहूं खेड़ा, तहसील कार्यालय, सेंट जोसेफ स्कूल, मधुबन हाइट्स, साई रेसिडेंसी और वंदना नगर, ये 30 से ज्यादा देखिए इलाके बताए जा रहे हैं जहां पर बिजली की कटौती रहेगी। बिजली आज गुल रहेगी, बिजली सप्लाई नहीं होगी। हमेशा या तो मेंटेनेंस का हवाला दे दिया जाता है या फिर किसी ना किसी वजह से बिजली की कटौती होती है। और देखिए, गर्मी का मौसम है, जब हम बात कर रहे हैं कि 45 के पार तापमान पहुंचा हुआ है, ऐसे में गर्मी और भी ज्यादा लोगों को सताती है जब बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है। ऐसे में लोगों की बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन के मामले भी सामने आते हैं, हीट स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। 30 से अधिक इलाके जहां पर बिजली कटौती आज देखने को मिलेगी। तो सुबह 8 से 12 बजे के बीच बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। 30 से ज्यादा इलाके जहां बिजली गुल रहेगी। साइड विंडो के जरिए ग्राफिक्स में आपको उन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप भी इन्हीं क्षेत्रों में से किसी में रहते हैं तो आज आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आज इन इलाकों में बिजली की कटौती देखने को मिलने वाली है और बिजली गुल रहेगी। तो 30 से ज्यादा ऐसे इलाके जहां बिजली आज बाधित रहेगी, भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती देखने को मिलने वाली है। तो कई इलाके जहां पर आज बिजली सप्लाई बाधित रहने वाली है, 8 से 12 इलाके बताए जा रहे हैं जहां बिजली सप्लाई नहीं होगी। नीलम हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। नीलम, लगातार हम इस खबर को प्रमुखता से दिखाते हैं कि बिजली की सप्लाई बाधित रहेगी, बिजली कटौती रहेगी, लेकिन अब तो गर्मी का मौसम है, नौतपा की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती, लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इस बार क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए शहर में लगातार ही प्री मानसून मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है जिसे बिजली कंपनी को जून महीने की शुरुआत में ही खत्म करना है। जिस तरह से भोपाल में गर्मी पड़ रही थी उसे देखते हुए 4 दिन की राहत बिजली कंपनी की तरफ से दी गई थी। 4 दिन जब नौतपा की शुरुआत के थे, चारों दिन जो है किसी भी तरह की का मेंटेनेंस काम नहीं किया गया, सप्लाई को बाधित नहीं किया गया। पर क्योंकि प्री मानसून मेंटेनेंस का काम बेहद जरूरी हो जाता है और जगह जगह क्योंकि हम देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाएं होने लगी हैं, तो इससे बचाव के लिए ये बेहद जरूरी होता है। भोपाल में जो है आज से एक बार फिर से मेंटेनेंस का काम शुरू किया जाना है। हालांकि बिजली कंपनी ने जो है समय में थोड़ी राहत अब दे दी है, सुबह 8 से लेकर 12 बजे तक ही जो है मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। यानी कि जो दिन का समय होता है जब गर्मी अपने चरम पर होती है, बेहद तेज धूप होती है, उस दौरान सभी के घरों में, ऑफिसों में, संस्थाओं में जो है इस बार भी मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम आपका जानकारी के लिए। चलिए यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब कपड़ों को आधे घंटे क्यों भिगोना,